हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीता। एक पैन गरम हो गया, इसमें हम चना दाल डाले हैं। चना डाले हैं, आप इसको भूज रहे हैं, हल्का सा ब्राउन होने तक इसको भूजेंगे। चना दाल और बादाम का जो है चटनी बना रहे हैं। इस तरह से इसको हल्का भूज लेना है, जलाना नहीं है, इसको बराबर चलाते रहना है। इस तरह से चना दाल मेरा हो गया, भुजा गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे। देखिए ऐसे ही भुजना है। अब इसे बादाम भुजेंगे, थोड़ा सा बादाम ले लिए हैं। देखिए इसको भी भुज लेना है, चटकने लगे, हल्का सा चटकने लगे इसको, तो इसको इसका भुज लेना है। भुजने के बाद में इसको थोड़ा ठंडा करके इसका छिलका निकाल लेना है। देखिए मेरा भुजा गया है। अब इसको हम छिलका निकालेंगे इसका ठंडा करके। देखिए दाल को मिक्सर ग्राइंडर डाल दिए, चार मिर्चा है, लहसुन 7-8 कली है। अब इसी में हम बादाम डाल देंगे छिलका निकाल के। अब हम इसमें पानी डालेंगे, पानी डाल के इसको फाइन पेस्ट बना लेंगे। देखिए हमारा बन गया है। अब हम तड़का तैयार करें तो इसके लिए 2 सूखा मिर्च है और थोड़ा सा सरसों है और जीरा है। देखिए इसका तड़का लगा है। थोड़ा स्वाद अनुसार हम नमक डाल लेंगे। इस चटनी को आप इडली के साथ, डोसा के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी चटनी है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर कर दिए। कमेंट कर दिए कि चटनी कैसा बना है, कहाँ से आप देख रहे हैं।